अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। 2019 में पुलिस हिरासत से फरार 2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो व उसके सहयोगियों सहगल आदि द्वारा बनाई गई मार्केट पर आज बुलडोजर चल गया। यह मार्केट करीब 20 साल पहले पार्क की सरकारी जमीन कब्जा कर बनाई गई थी। आज मजिस्ट्रेट के आदेश पर अवैध मार्केट को गिराते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया गया। कुछ समय पूर्व बदन सिंह बद्दो की आलिशान कोठी को भी ध्वस्त किया जा चुका है। बदन सिंह पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। दरअसल 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो 28 मार्च 2019 को फरार हो गया था। बदन सिंह की फरारी उस वक्त हुई जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, यानी सुरक्षा के खास इंतजाम थे और दावा किया जा रहा था कि पुलिस की पत्ते पत्ते पर नजर है। फरारी के बाद बदन सिंह यहां अपने सहयोगी के घर आराम से रहा और फिर दिल्ली के रास्ते फरार हो गया। बदन सिंह फरार हुआ लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। 2 साल होने को आ गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभिषेक कुमार की जनहित याचिका दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन व पुलिस के आला अफसरों को तलब किया। तब जाकर प्रशासन एकाएक नींद से जागा और बदन सिंह की कोठी को जमींदोज कर दिया गया। आज मेरठ के जगन्नाथपुरी में 176 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर 20 साल पहले कब्जा कर बनाई गई दुकानें ध्वस्त कर दी गई। आइए देखते हैं। करीब 176 स्क्वायर मीटर की दूरी में बनाया गया ये प्रॉपर्टी ने दी है। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है अवैध तरीके से बिना MDA के करके बनाया गया था। जो आप जगन्नाथपुरी कॉलोनी है उसमें ये पार्क है, इस पार्क में अवैध रूप से इन्होंने ये प्रॉपर्टी बना रखी है। इसकी अनुमानित कीमत करीब आप 15 से 20 करोड़ के आसपास आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पूरे एरिया में देखिए उन्होंने जो स्टे लिया था माननीय उच्च न्यायालय से, उन्होंने स्टे लिया था कि जो शासन में प्रोटेक्शन वार्ड चल रहा है उसके सुनवाई तक के लिए, तो वो प्रोटेक्शन वार्ड की सुनवाई कम्प्लीट हो चुकी है, वहाँ से कार्रवाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद ही MDA ने जो दस्तीकरण का आदेश है वो पारित किया। सर बदन सिंह बद्दो आपके सर्कल में आते हैं, उनके आवास भी और ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है अभी तरीके से बनाई हुई वो आपके सर्कल में आते हैं। अब तक कितनी प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रॉय करी जा चुकी है, अवैध पकड़ी गई थी और आगे कितनी पर कार्रवाई होगी? देखिए आपको ध्यान होगा तो इस तरह के कई प्रॉपर्टीज़ पर कार्रवाई की जा चुकी है। आपको ध्यान होगा तो पिछले साल इनके जो पंजाबी गांव में अवैध रूप से निर्माण किया हुआ जो मकान था उस पर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आपको याद होगा कि 15 मार्च 2022 में इसी पार्क में एक और आने जमीन जैसी थी करीब 300 स्क्वायर मीटर की थी, उसका MDA के आदेश स्पष्टीकरण कराया गया था और आज ये अगली प्रॉपर्टी है जो इसका मुख्य सहयोगी अजय सहगल है उसका रहा है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज चिन्हित हैं जिसकी जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जैसे ही आदेश पारित हो जाते हैं वैसे ही जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।